हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सीड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में मिस्टर शरद पारिक आप सबका वेलकम करता हूं। अपन गो थ्रू होने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके बीकॉम सीए सीएस सीएमए आईसीडब्ल्यू सभी में इंपॉर्टेंस रखता है बराबर में। तो अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर भी अपन इंटरेस्टिंग चैप्टर आज की पहली पहली क्लास का फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लिखिए, नोटबुक निकालें, उसमें नाम लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने नोटबुक में हेडिंग लिखी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने ट्वेल्थ क्लास में एक बार रीड आउट करा था। जी हाँ फ्रेंड्स, वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप इसके पास में लिख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री है। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बात किसके बारे में करता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बात करता है ड्यूरिंग द ईयर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग के लिए आप कह सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दो साल के बीच में, जी हाँ, दो साल के बीच में बात करता है कैश के इनफ्लो का और कैश के आउटफ्लो का। कितना आपने कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आया और कितना कैश गया, इन सब के बारे में जो स्टेटमेंट बताएगा उसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, के अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो एज पर कंपनी, किस की बात करो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो एज पर कंपनी, तो इसमें इंक्लूड होगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी अकाउंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ईच कंपनी के लिए क्या है? मैंडेटरी है। अब कभी आप यह मत ध्यान रखना कि फाइनेंस स्टेटमेंट के पार्ट क्या होते हैं, पी एंड एल, ट्रेडिंग, ये नहीं है। कंपनी के लिए कंसिडर होगा इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट और देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सिक्वेंस भी पूछ सकते हैं आपको। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर बात करें तो वहां पर अगर आपको सीक्वेंस पूछे तो उस सीक्वेंस में आप कह सकते हो कि पहले क्या बनती है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बताएगा ये? या आप लिखो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग फाइनेंशियर, बोल दो ड्यूरिंग फाइनेंशियर और बिटवीन टू बैलेंस शीट, ये बोल दो। तो दोनों बैलेंस शीट के बीच में या एक साल के बीच में, एक साल के दौरान जितना कैश का इनफ्लो हुआ और जितना आउटफ्लो, उन सब के बारे में बात क्या करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब बात ये आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड कितने हैं? तो आप लिख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड हैं दो। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। कितने मेथड हैं? दो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की स्टेप्स कितनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की स्टेप्स कितनी है, तो ईच मेथड के अंदर तीन तीन स्टेप हैं। ईच मेथड के अंदर कितने कितने स्टेप हैं? तीन तीन। यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बस आप हेडिंग लिख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट,
इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इक्विटी अकाउंट। फिर मीनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ओके डन, लिख लिया। ओके तो अपन लिखेंगे फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ कैश फ्लो। मेथड्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड्स हैं दो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड्स में ली जाने वाली स्टेप्स कितनी हैं, तो ईच मेथड में तीन तीन स्टेप काम में ली जाएगी। फर्स्ट वन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसी अगर अपन देखा जाए तो इनडायरेक्ट मेथड में भी तीन स्टेप होंगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आप नोट डाउन करो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा? कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। इसके मेथड सर कितने बताए गए? सर इसके मेथड दो बताएंगे। कौन कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड बताएं कितने स्टेप? तीन स्टेप। बोलो कितने स्टेप? तीन स्टेप। बोलो पहला, फर्स्ट वन कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम टू सेम इनडायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नोट डाउन करें आप। डन डन। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर आपने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों आपने अलग अलग लिखे। आपने कहा कि कैश फ्लो मेथड के दो मेथड होते हैं कैश फ्लो बनाने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ओके, लेकिन सर आपने तीनों एक्टिविटी के सेम सेम नाम लिखे हैं, तो सर क्या तीनों एक ही हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, अलग अलग हैं। डायरेक्ट मेथड से आप निकालोगे अलग आएगा कैश फ्लो, लेकिन आंसर मेथड अलग है, आंसर सबके सेम आएंगे, मेथड दोनों के अलग अलग हैं। अगर इक्वलिटी की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये सेम बनेंगे। इन दोनों को डिफरेंशिएट सिर्फ कौन करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन दोनों को अलग अलग कौन करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर अपन स्टार्टिंग से बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट फाइनेंस और सेकेंड वर्ड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर फाइनेंस का मतलब क्या और मैनेजमेंट का मतलब क्या, दोनों मतलब को आप समझ लोगे तो पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट हो जाएगा। फाइनेंस से मतलब है फंड को, फाइनेंस को, मनी को प्रोक्योरमेंट करना, कलेक्ट करना एंड सेकंड वन उसका यूज करना। फंड को कलेक्ट करना एंड सेकंड वन उसका क्या करना? यूज करना। ये तो है फाइनेंशियल का मतलब। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, जो गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन, लोगों से काम करवाने की कला है, आर्ट है। ये क्या है? मैनेजमेंट। दोनों को मिला लो, दोनों क्या कर लो? मिला लो, वो क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप पूरे साल के अंदर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, ये बात कंफर्म है, नाम से पता लग रहा है कैश फ्लो।
तो कैश का इनफ्लो भी होगा, कैश का आउटफ्लो भी होगा, लेकिन कौन कौन से नेचर से कैश का इनफ्लो हुआ, कौन कौन से नेचर से कैश का आउटफ्लो हुआ, वो सब अपन अलग अलग स्टेप में पता करेंगे। कौन कैश के कौन कौन से सोर्स से कैश का इनफ्लो हुआ, ऑपरेशन नेचर से हुआ। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब यहां पर क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब है बिजनेस के डेली रूटीन में, बिजनेस के फ्रेंड्स डेली रूटीन में ऑपरेशन नेचर से जितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो आपको क्या बताएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस के डेली रूटीन से, डेली रूटीन आपका काम क्या होता है, टर्नओवर, सेल्स करना, कमीशन रिसीव करना, सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये इन नेचर से जो आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो सारा क्या बताएगा आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड वन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना कैश का इनफ्लो हुआ या कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं जो लंबे टाइम तक अपने बेनिफिट देंगे, जो लंबे पीरियड तक बिजनेस को क्या करके देंगे फ्रेंड्स, इनकम अर्न करके देंगे। तो वहां पर तुमने कैश का कितना आउटफ्लो किया या इनफ्लो किया, फॉर एग्जांपल तुमने प्लांट मशीनरी कितनी खरीदी, फॉर एग्जांपल तुमने फर्नीचर कितना खरीदा या बेचा, फॉर एग्जांपल तुमने लैंड कितनी परचेज और सेल करी, ये सारा का सारा कौन बताएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड वन बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मतलब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मतलब है बिजनेस में फाइनेंस के सोर्स क्या है। फाइनेंस के सोर्स आप इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, इन द फॉर्म ऑफ प्रिफरेंस शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, इन द फॉर्म ऑफ लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक ओडी, इन सब से तुम्हारा कैश का कितना इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ सबको बताएगा कौन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई रिपीट कि कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, ईच में तीन तीन स्टेप है, बोलो कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी हाँ, अब ऑपरेशन नेचर से कितना तुम्हारा कैश का इनफ्लो होता है, डेली रूटीन का जो तुम सेल्स करते हो, रेवेन्यू अर्न करते हो, उससे तुम्हारा कैश का कितना इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ ये क्या बताएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बताएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए तुमने कितने एक्सपेंस करा या लॉन्ग टर्म बेनिफिट की एसेट्स को तुमने कितना बेचा, उससे कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ वो क्या बताएगा तुम्हारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल बताया, मैंने एग्जांपल बताया प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। फाइनेंस है कि तुमने फंड कहां से लिया, तो फाइनेंस के सोर्स क्या हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ प्रिफरेंस शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, इन द फॉर्म ऑफ लोन, मॉर्गेज लोन, बॉन्ड्स, इन सब एक्सेट्रा से तुमने कितना फाइनेंस का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ ये सब क्या बताएंगे आपके, ईच एक्टिविटी डिफाइन करेगी। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपन स्टार्ट पहले इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज अपन पहले पहले पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। यहां तक बोलो लिखा आपने, ओके, अब आप हेडिंग लिखो इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो आप, यहां तक नोट डाउन करो। सबसे पहले आपने क्या लिखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, इसमें लिखोगे ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन स्टार्ट करेंगे अपन इसको यहां से नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। जी हां फ्रेंड्स, कहां से स्टार्ट करोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बात यह रहती है कि सर ये नेट प्रॉफिट पाया कहां जाएगा, सर ये नेट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट होगा आपको बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में आपको लिख रखा होगा पीएनएल अकाउंट, आप नोट डाउन कर सकते हो नाम, या तो पीएनएल अकाउंट लिखा होगा
या सरप्लस अकाउंट लिखा हुआ होगा या रिटेन अर्निंग लिखा हुआ, ये तीनों में से एक नाम आपको मिल जाएगा, सरप्लस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या रिटेन अर्निंग, ये दोनों लिखे होंगे। दो साल की बैलेंस शीट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अपन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, इसके बाद लिखो आप एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सारे इसमें क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इनको आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखाता हूं, लर्न करने में इजी रहेगा। आप लिखो डी टी आई डी टी एल पी जी। ओके, डी फोर लिखो आप प्रपोज डिविडेंड, टी फोर लिखो ट्रांसफर टू रिजर्व, आई फोर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, डिबेंचर और लोन। डी फोर लिखो डेप्रिसिएशन, टी फोर लिखो टैक्स, टैक्स को आप लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स को क्या लिखोगे आप, प्रोविजन फॉर टैक्स। एल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, पी पी फोर लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइट ऑफ, या आप इसके साथ एक पी और लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। और जी फोर लिखो गुडविल और एनी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, आप नोट डाउन करो। इनडायरेक्ट मेथड से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा। सेकंड थिंग, इसके बाद इसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस के एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इन सबको नेट प्रॉफिट में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेशन नेचर से, तो नॉन ऑपरेटिंग चीजों को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर नेट प्रॉफिट में क्या कर दोगे तुम, ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें ये सारे के सारे जो मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडबैक करें आप, बताओ पहला कौन सा, डी फोर आप लिखना स्टार्ट करो यहां से। हाँ ओके, नोट डाउन करो डी फोर, बताएं क्या होगा। डी फोर डिविडेंड है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या आएगा, प्रपोज डिविडेंड। तो डी फोर डिविडेंड, टी टी फोर ट्रांसफर टू रिजर्व, आई फोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन लोन, डी फोर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, टी टी फोर टैक्स है लेकिन यहां पर पूरा लिया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, एल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, पी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, और जी गुडविल और एनी इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। करो आप इन सबको नोट डाउन, लिखा ओके। अब इसके आगे लिखो आप टू बी कंटिन्यूड है, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखो आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे के सारे आप लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, और टोटल कर दो
इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लिखो आप इसको, क्या कहेंगे इसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। डन, यहां तक। तो अपन ने पहला स्टार्टिंग काम किया, अगर अपन ने स्टार्ट कर नेट प्रॉफिट से, इसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, क्या थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, उन सबको अपन ने क्या कर दिया, एडबैक कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, उन सबको अपन ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो, डिविडेंड पेड है, ये प्रपोज डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और तो अगर ये रिसीव होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये अगर रिसीव होते हैं, इन पे प्रॉफिट होता है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनको अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो बचेगा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आप एडिंग लिखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें लिखो आप, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड देन लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐड कर दो, इसको बोलेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज होने से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कैसे आया। सिंपल सी बात है, डेटर्स थे, डेटर्स मान लो स्टार्टिंग में 10,000 के थे और एंड में 5,000 हो गए, डेटर रिड्यूस हुए, डिक्रीज हुआ, डेटर में अमाउंट डिक्रीज होने से मतलब क्या, डेटर से कैश का इनफ्लो हुआ। तो करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया, एड। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डेटर अगर 10,000 से 15,000 हो रहा है, पैसा ब्लॉक हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो वो क्या होगा, लेस। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो तुम्हारा क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिटर वालों के पैसे तुम्हारे यहां ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये कैश का क्या है, इनफ्लो है। क्रेडिटर अगर कम हो रहा है, लायबिलिटी अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब तुम उसे पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो, तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो याद रखें, एक याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या हो रहा है, ऐड, रिवर्स करो, इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेस। करंट लायबिलिटी उसका रिवर्स करो, इंक्रीज जाएगी तो ऐड, डिक्रीज जाएगी तो लेस। और इसका एक अच्छा फॉर्मेट है, वो और याद कर लो, लिखो काडा, क्या लिखोगे, काडा, ओके, सी फोर करंट, ए फोर एसेट्स, डी फोर डिक्रीज और ए फोर ऐड। करंट एसेट्स डिक्रीज एड, बोलो मेरे साथ, करंट एसेट्स डिक्रीज एड, रिवर्स करो, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस, और रिवर्स करो, करंट लायबिलिटी इंक्रीज एड, और रिवर्स करो, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज लेस, ओके। ये लर्न कर लो, काटा, करंट एसेट्स डिक्रीज एड, मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ एड करो, करंट एसेट इंक्रीज हुआ लेस करो, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ ऐड करो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ लेस करो, ऐसे करो, कंफर्म, ओके।
अब इसमें से लेस कर दो, लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो अब अगर प्लस में आएगा तो कैश इनफ्लो आंसर, और अगर माइनस में आ रहा तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट डाउन करो आप इसे, ओके। तो ये आपकी सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट की इनडायरेक्ट मेथड की सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्ट कहां से करा अपन ने, स्टार्ट अपन ने करा नेट प्रॉफिट से, जिसमें ऐड किए गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने थे वो सारे के सारे क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करी थी, लेस की गई थी। मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद तो अपन ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने के शॉर्ट फॉर्म बना के ताकि आपको इजीली वे में याद हो जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपको एडजस्टमेंट का नाम याद रहेगा तो वरना भूल जाओगे आप। डेप्रिसिएशन लिखना था, आपको पता है डेप्रिसिएशन ऐड होगा, लेकिन तेरा डेप्रिसिएशन दिमाग में नहीं है तो तुमने ऐड नहीं किया। तो अगर सिक्वेंस वाइज अगर याद रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, डी टी आई डी टी एल पी जी, बोलो मेरे साथ बोलते रहो, डी टी आई डी टी एल पी जी, बोलो डी फोर प्रपोज डिविडेंड, टी फोर ट्रांसपोर्ट रिजर्व, आई फोर इंटरेस्ट ऑन लोन, डी फोर डेप्रिसिएशन, टी फोर प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मैंने प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इनका नाम डिविडेंड और टैक्स इसलिए लिखा है, डी ओ टी के के। एल फोर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, पी फोर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ या प्रीमियम ओन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रिफरेंस शेयर, जी हाँ, और जी गुडविल और एनी इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ होती है, खत्म होती है, तो सारे क्या कर जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जाहिर सी बात अगर ऐड हो रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी होगी वो सारी सारी क्या होगी, लेस होगी, जिसके नाम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, लेस। और इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा आपके यहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, एंड आफ्टर देन वी विल एडजस्ट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कौन काम करेगा, काडा काम करेगा। कौन काम करेगा फ्रेंड्स, काडा काम करेगा। बोलो मैं एक साथ रिपीट करते जाओ, साथ साथ बोल जाओगे फॉर्मेट भी लर्न हो जाएगा। काडा, बोलो कौन काडा, काडा फुल फॉर्म करंट एसेट्स डिक्रीज एड, तो करंट से डिक्रीज हो तो क्या हो जाएगा, एड। रिवर्स करो, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस, और रिवर्स करो, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज एड, और रिवर्स करो, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज लेस। ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, लेस क्या कर देंगे अपन, टैक्स पेड। तो टैक्स ज्यूरिंग द ईयर जो पे हुआ उसको लेस कर दो, ये आ जाएगा आपका कैश इनफ्लो। अगर प्लस में आए तो इनफ्लो, माइनस में आए तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ओके फ्रेंड्स, ये सब लिखा आपने, तो आज आप क्या करोगे, फॉर्मेट पूरा लर्न करोगे, पूरा अंडरस्टैंड करोगे, पूरा नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियोज में अपन क्या होंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको इजिली वे में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।